मुर्गी अंडा पालन अपना दो बाल बच्चा है ना जी ऑडियो बी एमडब्ल्यू क्या घुमा है कराओ मुर्गी पालन ट्रेनिंग कराओ लोग को तो मुख्यमंत्री से तो भरोसा उठ गया है और जो माननीय शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महातो बोल रहे हैं सबको नौकरी देना नौकरी करना जरूरी है क्या तो जेस सी ऑफिस कहे रखे हैं सबको दे दीजिए ना वहाँ का अति मुर्गी पालन अंडा पालन सुअर पालन सब सरकारी भवन में खोल देंगे कि सबको को नौकरी करना जरूरी है क्या तो आपको मंत्री रहना जरूरी है क्या वो हल्के में ले रहा है जनता उसको हल्के में लेगा अबर हेमंत सोरेन को समझे हम हाँ तो टूटते ही हैं पर कहीं न कहीं अपने माँ बाप को भी सामने टूटते हुए जब देखते हैं ना तो बहुत खराब लगता है विधायक और मंत्री लोग का छापा मारता तो करोड़ों करोड़ घंटा के निकलता है और हम लोग के पास एक रुपया नहीं है तो कहाँ का सब पैसा है सब हम लोग को खून चूसा जा रहा है और हम लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है पब्लिक को महा बेकूफ समझ लिया है ये क्या कर रहे हैं धन्यवाद प्रस्ताव पूरा झारखंड में लेते चल रहे अरे भाई बत्तीस के लागू कहाँ हुआ है एक नोटिफिकेशन दिखाई जिसमें लागू हो गई बत्तीस लागू हो गया है स्थानीय निवासी के लिए रोजगार के लिए नियोजन के लिए कहाँ लागू है धन्यवाद प्रस्ताव गढ़वा में किसमिया को लेते आ गए नमस्कार आज सुबह आप सबो के हाथ में अखबार पहुंच गए होगा और आप सब ने देख लिया होगा की नियोजन नीति झारखण्ड हाईकोर्ट से कल यानी शुक्रवार को रद्द कर दी गई है उस नियोजन नीति में यही बात थी कि दसवीं और बारहवीं जिन्होंने झारखंड से पास की है वही झारखंड में सरकारी नौकरी कर पाएंगे इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कल सुनवाई हुई नियोजन नीति रद्द हो गई रद्द होते ही आज युवाओं की बड़ी फौज मेरे पीछे खड़ी है क्या ये कहना चाह रहे हैं इनसे सुनिए कल ही नियोजन नीति रद्द हुई है आज आप लोग सब खड़े हो गए हैं क्या बात बात यह है कि यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री साहब जब कल जे सी किसी कारण अप से अपरिहाय कारणों से जे सी के तमाम जितने भी बहाली आए हैं सब रद्द किया जाता है या स्थगित किया जाता है तो माननीय महोदय से हम बात करना चाहते हैं आज स्टेनोग्राफर के एग्जाम फिर क्यों ले रहे हैं सारा बहाली जब रद्द हो गया है रोक दिया तो फिर एग्जाम क्यों ले रहे हैं कहीं छात्रों के साथ यहाँ तो मुर्गी बनाने का आप प्रयास नहीं कर रहे हैं बेवकूफ़ बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं आप और बना भी रहे और हम लोग बन भी रहे हैं अब छात्र है जाग चुके हैं अब सोमवार को जो है पूरा झारखंड बंदी होगा क्योंकि यहाँ के छात्रों के हित में आपको काम करना पड़ेगा और झारखंड का जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं उसका नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं जो अपना नियोजन नीति बनाते हैं नीति बनाते हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं तो आपको सपोर्ट है और अच्छा बात है कि यहाँ के मुख्यमंत्री धरातल से हैं और मूल आदिवासी नेता हैं हम लोग कभी खुशी होता है लेकिन उसका गलत नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं और उस सही नीति करें और ये जो माननीय मुख्य जो शिक्षा मंत्री सब मुख्यमंत्री से तो भरोसा उठ गया है और जो माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महातो बोल रहे हैं सबको नौकरी देना नौकरी करना जरूरी है क्या तो जे सी ऑफिस क्या है रखे हैं सबको दे दीजिए ना वहाँ का अति मुर्गी पालन अंडा पालन सुअर पालन सब सरकारी भवन में खोल देंगे क्यों खोल के रखे हैं एस सी उन लोग अस्सी हज़ार नब्बे हज़ार तनख्वाह दे के पूरा फुला फुला के रखे हैं आए और हम लोग यहाँ देखिए खून चूस के पूरा ये कर रहे हैं अभी विधायक और मंत्री लोग का छापा माराता तो करोड़ों करोड़ घंटा के निकलता है और हम लोग के पास एक रुपया नहीं है तो कहाँ का सब पैसा है सब हम लोग को खून चूसा जा रहा है और हम लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री से, से निवेदन करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट मत जाइए इसलिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ स्थानीय नियोजन नीति उन्नीस सौ इंक्लूड करके और दो दिन में आप फैसला लीजिए अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो सेंट्रल लाइब्रेरी का आप थोपिए यहाँ एक से एक तस्मार खान और लड़का लोग है पढ़ने वाला है आप थोपिए यहाँ अगर आपको नियोजन नीति आपसे नहीं संभल रहा है तो आज क्या मांग को लेकर आज मांग यही है कि ये जो ताम झाम लगाया हुआ है है ना बेवकूफ बनाने का ये कुछ नहीं करिए बस बेवकूफ़ी है ना भरा हुआ सारा कदम है ठीक है जानते थी यहाँ की सीएम जो है जानते थे कि ऐसा हम सर्किट यानी कि जाल फैलाएंगे जो कल जाके फंसेगा नहीं थी वो जानबूझ कर था वेल प्लान्टड था कोई बता देगा कि यहाँ मतलब कैसा नियम है कैसा नहीं कौन फसे, कौन फंसेगा कौन वो नहीं फंसेगा सब था पेपेबल था ये चीज़ ठीक है तो मांग यही है कि यार मतलब जो करना जल्दी करो सुप्रीम कोर्ट मत जाओ ठीक है है बस यही जो अभी इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं लटकाने नहीं वाले नहीं, 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 नहीं। क्या मांगे क्यों आज आप लोग विरोध देखिए हम लोग पिछले डेढ़ साल से सचिवालय का जैसे सी जी का तैयारी कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं 2015 से सचिवालय का एग्जाम नहीं हो पाया है तब से हम लोग लाइब्रेरी में बैठ बैठ के कितना चेयर टूट गया चेयर बदला गया तब से हम लोग बैठे हुए हैं और जब कल जे का नियुक्ति नियमावली रद्द हुआ तो शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि सबको नौकरी करना जरूरी है क्या तो आपको मंत्री रहना जरूरी है क्या तो मांग तो यही थी ना कि ये नियोजन नीति रद्द हो नहीं मांग तो थी मांग नहीं थी कि रद्द हो मांग थी कि इसमें सुधार हो और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले तो हम लोग अभी भी यही मांग है कि जल्द से जल्द आप इसमें उन्नीस सौ बत्तीस का स्थानीय नीति या फिर जो भी है उसको इंक्लूड करके और जल्दी से एक सप्ताह के अंदर हम लोगों को एक अच्छा नियुक्ति नियमावली बनवा करके और एग्जाम सब ले लीजिए हम लोग युवाओं को रोजगार मिले हम लोग मुर्गी बकरी शुगर पालने के लिए एम ए नहीं किए हैं और लाइब्रेरी हम लोग मुर्गी पालन सीखने के लिए थोड़ी आते हैं पढ़ने के लिए ना आते हैं तो जगन्नाथ महतो जी आपका दो बेटा जो पीए रखे हुए हैं दोनों को मुर्गी पालन और बकरी पालन करवा दीजिए हम लोग भी वही करेंगे क्या बात है क्या बात बोलेंगे सरकार जो है ना ये रूल ही शुरू में ही खराब बनाई थी सरकार को नहीं पता था कि यहाँ का जो खतियानी है उसको आप कैसे बाहर कर सकते हैं सरकार को एक बात बताते हैं हेमंत सोरेन को जॉब देने का मन है ये नहीं है यहाँ के लोग को वो वो हल्के में ले रहा है जनता उसको हल्के में लेगा अबर हेमंत सोरेन को समझे और मैट्रिक इंटर है ईयर डिसाइड करें ना ईयर क्यों नहीं डिसाइड कर रहे हैं हेमंत सोरेन ईयर डिसाइड कीजिए ना जी आप यर कहीं नहीं डिसाइड कर रहे हैं एक ईयर या खतियानी कीजिए ना इक्यानवे का सर्वे है इक्यानवे का कीजिए चौसठ के कीजिए बत्तीस कीजिए आप कुछ नहीं कर सकते आप बेकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं हेमंत सोरेन जो है ना कुछ नहीं कर रहा है खाली बेकूफ़ बना रहा है हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं कितना दिन पढ़ेंगे तैयारी तो हम सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं हम दो से अब कर ही रहे हैं अभी तक अठारह के बाद एक सिंगल एग्जाम नहीं लिखे झारखंड का हम अब बोलिए ये हेमंत सोरेन जो है ना खाली बेकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा है ये नियोजन नीति बनाया उल्टा पुल्टा बना के शुरू में ही केस हो गया हाईकोर्ट क्या बोला था देख देखने ही से ये फर्स्ट में देख रहे हैं तो यह असंवैधानिक लग रहा है तो इसको आप आगे क्यों फॉरवर्ड कर रहे थे इसको आगे क्यों ले क्यों लेके जा रहे थे आप क्या बोलते हैं हम कोर्ट में देख लेंगे कोर्ट में कितना दिन तक देखिएगा आप ये बेकूफ बना रहा है खाली हेमंत सोरेन और कुछ नहीं कर रहा है समझाइए जॉब और जहां मुर्गी अंडा पालन अपना दो बाल बच्चा है ना जी ऑडियो बी एमडब्ल्यू में क्या घुमा है कराओ मुर्गी पालन ट्रेनिंग कराओ लोग को हम लोग हल्के में ले रहे हैं हम लोग को कुछ नहीं करेगा हेमंत सोरेन ये बेकूफ़ बना रहा है समझे और विधि विभाग भी दर्ज किया था और बता रहे हैं इसको एकदम मन नहीं है देने का ये सोच रहा है ना लास्ट में जैसे तैसे घुसा के दे देंगे और हर एग्जाम तो जेई का लीक हो गया और उसका मेन पकड़ाया है अभी तक उसको जेल भेजना चाहिए था ना मीडिया में देना चाहिए पब्लिक में लाना चाहिए था उसको सबके सामने की देखो ये पकड़ाया इसको जेल भेज रहे हैं कौन जेल गया नहीं गया कौन जानता है कुछ नहीं यहाँ सब फोर है ये लोग ये सरकारें फोर जरी है समझे आज क्यों आए हैं आप लोग आज क्यों आज हम लोग यही बोलने के लिए आए हैं कि जो भी आपका जो जो करना है नियोजन नीति पे सुधार करना है कीजिए बहुत तकलीफ झेलनी है हम लोग हर बार डेट डेट आता है उम्मीद लगाते हैं हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप उम्मीद लगाते हैं हम तो टूटते ही हैं पर कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को भी सामने टूटते हुए जब देखते हैं ना तो बहुत खराब लगता है क्या बीत रहा है ना अभी हम लोग जान रहे हैं रोज पढ़ते हैं इधर एग्जाम का डेट आया कहीं कहीं कभी लगता है कि भाई कुछ ज्वाइन कर लो प्राइवेट कुछ ज्वाइन करके कर कुछ कर रहे जैसे ही डेट आया सब कुछ छोड़ छाड़ करके सब कुछ छोड़ दिए उसके बाद फिर तैयारी में भिड़ गए दो महीना तैयारी किए फिर आज ये निकलता है कि आपका नियोजन नीति कैंसिल होगी अब क्या करें हम लोग कहाँ जाए किसके क्या करके फिर जाके माँ बाप से मांगे हम पैसा दीजिए घट गया है अब कुछ नहीं बचा हुआ है यहाँ पे पहले लेता था पंद्रह सौ अठारह सौ दो हजार हो गया यहाँ पे हम लोग को देने में भी अब अच्छा नहीं लगता है घर से पैसा भी नहीं आता है उतना किसान परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं झारखंड सरकार से यही कहना है कि जल्दी जल्द से जल्दी वैकेंसी निकाले और हम लोग अगर होंगे इलिजिबल एग्जाम निकालेंगे तो हम लोग नौकरी लेंगे और नहीं लेंगे तो कुछ दूसरा काम करेंगे बैठे बैठे यहाँ पढ़े हम लोग कितना दिन पढ़े एक मजबूत बैठे बैठे कुर्सी टूट गया लाइब्रेरी का कैसा लोग इनका इन टीम में कैसे लोग कैसे आई लोग हैं कि एक सिंपल सा नियम नहीं बना पा रहे हैं एक सिंपल सा नियम नहीं बना पा रहे अरे 1908 लागू करना 1908 लागू कर

ऐसा मूर्खशन मुख्यमंत्री मुख दशक मुख्यमंत्री क्या कह सके मूर् दशक मुख्यमंत्री समझे ना अगर सरकार को अगर मन है रिक्रूटमेंट करने का तो सरकार जैसे ही रमेश हंसदा वाला में था कि हम कोर्ट में देख लेंगे और सरकार को छः महीना में क्या करेगी अगर इक्यानवे करना है खतियानी जब का खतियानी करना है बत्तीस करना है करो और और उसको लागू करके तत्काल में दस साल के लिए लागू करो कोर्ट भी रिजेक्ट नहीं करता है आप यहाँ का आप जो स्टेट पिछड़ा है आप दस साल के लिए लागू कीजिए आजीवन का है कि नवी सब भूल जाइए आप दस साल के लिए लागू कीजिए और छः महीना में सब एग्जाम कंडक्ट करवा के कोर्ट में कर, आज तक जॉब होने के बाद कोई निकला है नहीं नहीं निकला है हम लोग भी घुस जाएंगे तो फिर नहीं निकलेंगे आप अब आप आप, आप, आप कीजिए तत्काल में लागू उसको जब रमेश हांसदा को केस को गलत लेके चल रहे थे उसमें उसमें भी चाहता सरकार तो एग्जाम ले सकता था तो खींच रहा है डेट पे डेट डेट पे डेट आ रहा है और, कोर्ट भी डेट पे डेट दिया जा रहा है बढ़ते जा रहा है एक साल बाद डेढ़ साल बाद क्या हुआ कि चलो रद्द हो गया अब फिर से पढ़ो नियोजन नीति और और ये हेमंत सोरेन जी क्या करते हैं हर बार कमेटी गठित कर करते हैं वो कमेटी भगवान जाने क्या रिपोर्ट देता है पता ही नहीं चलता है ये वो कमेटी गठित हुआ है और बोलते हैं हम ये उड़ीसा भेजें छत्तीसगढ़ भेजें अरे भाई कंक्लूजन निकला क्या तुम हर बार कमेटी गठित करते हो कमेटी रिपोर्ट देता क्या है और रिपोर्ट का ला के का दिया मैट्रिक इंटर ये बीमारी दे दिया हम लोग को और कुछ नहीं दिया है समझे ये बीमारी मैट्रिक इंटर दे दिया और जो बाहर यहाँ का जो जनरल जो है जनरल कैटेगरी वो बाहर पढ़ाओ का कर खतियाना तुम खतिया लागू कहाँ नहीं कर जानते रीज़न क्या है खतियानी नहीं लागू करने का ये जो बेकूफ़ बना रहा है क्योंकि बाहरी को घुसाना फैक्ट ये है इसको बाहरी वोट चाहिए इस चलते मैट्रिक इंटर कर रहा है तुम खतियानी करो खतियानी किसके जगह नहीं जो नहीं है यहाँ उसका सब उपाय है सब उपाय है मगर इसको मन नहीं है मन सोरेन को बाहरी घुसाने का मन है इसी चलते जो है ना कमेटी बटाता है देखिए फिर कमेटी गठित होगा अब फिर क्या रिपोर्ट देगा कोई नहीं जानेगा अब फिर एक ऐसा चीज दे देगा जो बीमारी जो फिर बोलेगा ये का हो गया फिर कोर्ट में जाएगा ये, एकदम मन नहीं है, मन सोरेन का समय को हाँ और कुछ इसको सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकना है यही बिल्कुल रोकना आज देखिए आज जो है ना उसका फाइल आज ए, कल जो जगन्नाथ महातो शिक्षा मंत्री बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यानी कि फाइल उसको निकालने में दो दिन लगेगा सोमवार मंगलवार यानी कि बुधवार को फाइल सुप्रीम कोर्ट करने वाला है दो दिन हार्ड कॉपी निकालने में और थोड़ा ये करने में लगता है तो हम लोग सोमवार को अटैक करेंगे सोमवार और मंगलवार को पूरा झारखंड बंद करेंगे अब कोई नहीं सुनेगा इसका कहना कोई नहीं सुनेगा ये लोग बहुत आदमी को बुड़बक बना दिया है इतना बुर्वक बनाए कि आप सोच नहीं सकते हैं। इन लोग क्या क्या करता है इन लोग समझे में आता है एगो जो जगन्नाथ महतो जी है शिक्षा मंत्री है आठवा फेल है कि दसवां फेल है उसको क्वालिफाई अभी सीजल का बोल लेंगे ना हिंदी इंग्लिश जितना इक्यासी बिरासी विधायक एको को नहीं पास करने सकेगा एको एक बात अगर पास कर दिया तो पच्चीस साल में बिरसा मुंडा शहीद हो गया तो हम छब्बीस साल में शहीद हो जाएंगे अगर उन लोग पास कर दिया तो समझे ना ना बात कर 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 रहे रहे हैं एको को नहीं पास एक तो चौड़ा सिलेबस कर दिया चला ये तो भोजा। और हर एक साल तो योजना इन लोग के इतना आता है योजना इतना आता है और योजना कहाँ चल जाता है इन लोग समझ में नहीं आता और गाँव में कौन खाता है योजना डोभा लाया था डोभा किसका है सब दलाल लोग के पैकेट भरा अभी इतना योजना में कई आदमी को मिलता है एको आदमी को मिलता नहीं है गांव में योजना फोजना किस नहीं मिलता है सब जो है वीडियो से इधर का कहानी घप कर देता है कोई सब... कहाँ बना मेरा नहीं बना पैसा नहीं किया सिर्फ सबको बुड़बक बनाता है ये दे रहे वो दे रहे अब बुड़बक नहीं बनेंगे, बनेंगे हम लोग कल देवघर में जोहार योजना था कल देवघर में देवघर में जोहार योजना था माननीय मुख्यमंत्री साहब गए थे लाइब्रेरी से सब लड़का जैसी रद्द हुआ ना उसी समय भाषण दे रहे थे और उसी समय जब हाईकोर्ट सुनवाई दे रहे हो भाषण भाषण दिए बाद में भाषण दिया सुनवाए उसके बाद कि आज ये कर रहा है वो कर रहा है अरे विपक्षी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं जी इतना दिन से आप राजनीतिक नहीं कर रहे हैं आप तो भी तो कर रहे हैं वो भी बीजेपी भी करता है अभी करता है अभी को दो कोट दिया तेरह तेरह बारह जिला में रघुवर दास भी को कोट कोड़ दिया और ई को कोट दिया अभी टेंथ और ट्वेल्थ में कौन कौन बाकी है यहाँ कोई बाकी नहीं और ये चीज सुन लीजिए कल देवघर में था तीस लड़का लाइब्रेरी से निकला और मुख्यमंत्री साहब से बात करने के लिए गया लेकिन मुख्यमंत्री साहब धीरे से ऐसे के कोकसी में टॉर्च निकाल के निकल गए आप लोग देखेंगे कि टॉर्च ऐसे ऐसे किसको खोज रहे हैं वो है? है? को खोज, खोज रहे, रहे है? अपना लेटर को खोज रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कहीं कि कहीं कर ना दे बम ब्लास्ट बताइए ये ये सब सब के कहानी घापे कुछ नहीं छात्र लोग अब सोचेगा नहीं उन लोग को चाढ़ी छाती में चढ़ के अब आंदोलन हम लोग करेंगे छोड़ेंगे नहीं नहीं एक बात है बस कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए।, नहीं जाए आपको अगर मतलब मनसा है अगर है ना इसकी ए, क्या कहते हैं यहाँ के छात्र के हित में तो आप अमेंड कीजिए आप कैबिनेट मीटिंग में उसको उसको पास कराइए जो भी करना है और सॉलिड तरीके से कीजिए अगर आपको इच्छा थोड़ा सा भी है तो नहीं तो सब यहाँ के जनता बेवकूफ नहीं है बेवकूफ अब वो चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दम पे अब वो और अगला छह महीना साल भर खींच ले यही चाह रहे हैं ना वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फिर छह महीने घींचेंगे धन्यवाद प्रस्ताव पूरा झारखंड अरे भाई कहाँ हुआ है एक नोटिफिकेशन दिखाई जिसमें के लिए, लिए, लिए. कहा लागू है धन्यवाद प्रस्ताव गढ़वा में किसको को को लेते आ गए न जमाने समझे आप ऐसा कीजिए पब्लिक खुद नाचे आप ऐसा काम कीजिए लड़की को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा देखे की लड़का है और नाचे आप ऐसा काम कीजिएगा लड़का अपने नाचने लगे जो आपका अति तो ये क्या कर रहे हैं हम बत्तीस लागू कहाँ लागू है जी दिखाओ ना हमको क्या चीज में लागू किया है तुम बेकूफ़ समझता है हल्के में ले रहा है तुम हल्के में चल जाएगा अबर चौबीस अरे सौ बत्तीस इंक्लूड करके राज्य स्तर में कानून बनाए तुरंत और इसको तुरंत पाँच लाख नहीं बोले हैं तो उसका दो परसेंट या पांच परसेंट निकाल के और तुरंत बहाली कीजिए और जहाँ जाए कैसे जहाँ जाए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जहाँ जाना है उसको कोई मतलब नहीं है आप बहाली कीजिए जितना है लेकिन इंक्लूड करके आप तुरंत अरे मुख्यमंत्री है आप पावर के यूज करने के लिए आप सीखिए आपको नहीं आता है तो हम लोग पास आइए कम से कम हम लोग बताएंगे आपको कौन पीओ है पीओ सी इलाहाबाद कनेक्ट कनेक्ट हम लोग उल्टा पलटा समझा देता है यही झारखंड का जो है दुर्दशा है कि हरिया समझ के बाहरी राज रखा है और समझ के और बांदर बना दिया है और सबको नचा रहा है तो नचाता है इतना खाइएगा घुस करके मंत्री जी पेट वे अथी हो जाएगा लूज मोशन हो जाएगा कहूँ जाबू वो पाइएगा जो करना है जल्दी कीजिए बर्दाश्त बाहर है यहाँ पे एक महीना के अंदर सब कुछ क्लियर कीजिए अब हम लोग यही सुनना है कि फरवरी में हम लोग का डेट निकालिए एग्जाम का अब सीधे फरवरी में एग्जाम देंगे अब बार बार तैयारी करने का हिम्मत नहीं है फरवरी में एसएससी रेलवे जैसा फिक्स डेट छह छह महीना में एग्जाम हाँ, जो भी है जो भी है एग्जाम एकदम हम लोग को दीजिए की पांच फरवरी से जे एस एस सी सीरियल चालू है ऐसे दीजिए हाई कारण रद्द किया जाता है संशोधित किया शब्द हटना चाहिए खाली वहाँ शब्द सब कहाँ से शब्द लाया जी अमेरिका अमेरिका से खोज के लाया का आप यह कारणों से फट लिख देता है यहाँ कारणों से रद्द किया जाता है, तो है? अच्छा बच्चा आके बोलता है भैया हाय कारण आ गई आपका बोलने से क्या बच्चा लोग चलिए तो ये वो अभ्यर्थी है ये वो छात्र है जो दुखी ड्रामा नीति नहीं चलता नहीं चलता नहीं चलता दुखी ड्रामा नीति नहीं चलता नहीं ने चलता नहीं चलता, ने चलता, ने चलता।, ने चलता, ने चलता। ने और तो अपन राज्य में लूड़ी सूत्री करना बंद कर बंद कर बंद कर झारखंड में लूड़ी सूत्री नहीं चलता नहीं चलता नहीं चलता है मंसूरन होश में आओ होश में आओ होश में आओ जब जब छात्र बोला है जब जब छात्र बोला है चलिए ये वो छात्र हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी हो स्टेट लाइब्रेरी हो जा जाकर बैठ कर सालों से बैठ कर पढ़ रहे हैं लेकिन झारखंड में नियुक्तियों का और विवाद हमेशा से कोर्ट से चलता रहा है नियुक्तियाँ आती है रद्द होती हैं विज्ञापन आते हैं रद्द होते हैं और ये सिलसिला सालों से जारी है छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है उम्र गुजरता जा रहा है इसलिए कभी ये ट्विटर पर कैंपेन चलाते हैं कभी आप विधानसभा के पास चले जाइए कभी आप मोराबादी मैदान के पास चले जाइए कोई ना कोई छात्र संगठन आपको बैठे दिखेंगे धर्म प्रदर्शन करते दिखेंगे सरकार के विरोध में तो अब इनकी मांग है कि कल जो नियोजन नीति रद्द हुई है वहां तक ठीक है लेकिन जल्द ही नई नियोजन नीति लागू हो और अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर ना फंसे क्योंकि लोगों की उम्र बीत रही है और समय कम है इनके पास धन्यवाद बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स क्लास एट नाइन टेंथ इलेवंथ एंड ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट हैूम प्रोग्राम अलॉन्ग विदेश नगरा टोली रांची विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सी बी एस ई एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम कोविड स्कूल है हम The follow up dot in like, share, and subscribe.